ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। यूपी सरकार ने भले ही कोरोना वॉरियर्स के विरुद्ध हिंसा पर कठोर कानून बना दिया हो, लेकिन अभी भी कोरोना वॉरियर्स के विरुद्ध हिंसा का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला जनपद एटा का है, जहां गैर जनपद से आए कोरोना संदिग्ध की सूचना देना महिला स्वास्थ्यकर्मी को महंगा पड़ गया और गाँव के ही महिला स्वास्थ्यकर्मी के पड़ोसियों ने महिला और उसके पति की पिटाई कर दी। किसी प्रकार भागकर दोनों ने अपनी जान बचाई। पीड़िता ने थाना बागवाला में आरोपियों के विरुद्ध तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि थाना बागवाला के जलालपुर गांव में महिला स्वास्थ्यकर्मी मीरा ने स्वास्थ्य विभाग को गैर राज्य से आए कुछ कोरोना संदिग्ध लोगों की सूचना दी, जिसके आधार पर मुख्यालय से मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने बाहर से आए लोगों को क्वारंटीन कर दिया। फिर क्या था, जैसे ही मेडिकल टीम ने अपना काम कर वापस लौटी, आरोपियों के परिजनों ने महिला स्वास्थ्यकर्मी की पिटाई करनी शुरू कर दी। महिला स्वास्थ्यकर्मी को बचाने आया उसका पति को भी आरोपियों ने लात घूसों पर ले लिया। किसी प्रकार दोनों ने भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। उनकी सूचना दी जाए विभाग को, तो सर हम लोगों ने सूचना विभाग को दी, विभाग से टीम आई, टीम के आराम से टीम पहुंच गई। हम लोगों ने उनकी सूचना दी थी। सूचना देने के बाद में सर क्या हुआ कि जैसे टीम वहाँ से निकली, तैसे मेरी पत्नी को और मुझे बुरी तरह से नाले में डाल के उन्होंने मारा है मुझे। ये धर्मेंद्र था और उसका लड़का और उसकी वाइफ, और अभी जो कह रहे हैं गाँव में घुसेगा, रात भर से मैं गया नहीं हूँ घर पे अपने पे, और जो कह रहे हैं घर पे मिलेगा तभी हम गोली मार देंगे, जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। तो सिर्फ जो है उनकी सूचना देने से खिंचा गया, केवल सर इसी बात पे खिंचा गया बस, जो कह रहे हैं। और टीम के सामने रवि, डॉक्टर रवि चौहान है, उनके सामने भी कहा था टीम जाने दे, उसके बाद तुझे बताऊंगा। ऐसे तो गवाह रवि चौहान, आपकी पत्नी स्वास्थ्य विभाग में है? हाँ, स्वास्थ्य विभाग में आशा भी कर लिया था। पहले जो बाहर से लोग आए थे तो हमने टीम बुलाई चेकअप के लिए, तो टीम उन्हें लेकर गई है, तो एक लड़के के घर वाले ने मारपीट शुरू कर दी मेरे साथ में। मेरे देखे जी लात भी मारी, छाती पर भी मेरे हाथ डाल दिया उसने, तो मैंने थाने में रिपोर्ट तो लिखवा दी है, तैयारी दे दी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो आप क्या काम करते हैं? मैं आशा में काम करती हूँ, स्वास्थ्य विभाग में। हाँ, तो आपको फिर इसलिए मारा क्योंकि आपने जो पॉजिटिव या जो केस ना हो इसके लिए आपने सूचना दी थी जो लोग बाहर से आए? हाँ,